स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम को लेके जो बालों से शुरू होती है, बालों में ही अक्सर देखी जाती है कि कहीं कहीं पे बाल उड़ जाते हैं और वहाँ फंगस सी लग जाती है। तो ये परेशानी क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति का वो वाला पूरा हिस्सा वो गंजेपन का शिकार हो जाता है, बाल वहाँ से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है और नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ, गांवों की जुबान में इसको कहते हैं कि कीड़ा लग गया, और ये जगह जगह पर किसी की बालों में, सर में भी और किसी के दाढ़ी में भी ऐसा होता है मर्दों के। और इसमें हमारे जिस्म की जो ज़रूरी ग़िज़ा होती है, उसकी जो डाइट होती है, वो डाइट नहीं जा पाती, तो इससे ये रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए दर्शकों, इसी प्रकार की अगर आपके साथ कोई परेशानी चल रही है या फिर आप बालों की परेशानी से ही बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, आप बहुत खूबसूरत बाल अपने लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या फिर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर कोई रोग आपको है, अब उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन, तो रुक जाइए, ठहर जाइए, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्या पता आपको ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। इसी के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, मैडम, हमको सर से बात करने की थी। बिल्कुल अजय जी, आप बात कीजिए, सवाल करिए अपना। हमारे 3 सवाल है मैडम, लिख कर लीजिए। हाँ, जी बोलिए। जी हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, 2 महीने हो गए, और मेरे पेट में थोड़ा गैस बनता है और लेफ्ट साइड छाती में दर्द होता है। ऑपरेशन कहाँ का हुआ? नॉर्मल बैठे बैठे अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का, जी ठीक है। और दूसरा सवाल? और मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में थोड़ा दर्द होता है और पेट में गैस बनती है। ठीक है। और कोई सवाल? और सफेद दाग का मैंने ऑर्डर किया है गोलमोरिंगा कंपनी से तुम्हारे यहाँ, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो तुमने बताया था ना, गोलमोरिंगा ले लो, और वापसी और ले रहे हैं मैं। ठीक है। जी हाँ, देखिए, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब हम कराते हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ असर दवाएं हमें परेशान करके डालती है। उस वक्त के लिए वही दवा बेहतर थी जो आपने ली, लेकिन वो अपने कुछ नुकसान छोड़कर जाती है हमारी बॉडी पर। और जिसको भी ऐसा हो कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खानी पड़े, कुछ लोग ऑपरेशन के बाद खानी ज़रूरी है, कुछ लोग बुखार में खाते हैं, और जिन लोगों को भी 15 दिन से ज़्यादा दवाएं खाना एलोपैथिक मजबूरी हो, तो उन्हें चाहिए कि धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर बना लें, 200 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें और 100 ग्राम मेथी का पाउडर बना लें, इन सबको मिला लें। और इसमें आप एक नमक आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, नमक जैतून लें, और ये धनिया का पाउडर आधा चम्मच जो आपने बनाया है, और जैतून का नमक एक चुटकी या दो चुटकी इसमें मिला के एक चम्मच में रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाएं, और रात को खाने से आधा घंटा पहले खाया करें, तो आपकी ये समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। जी। बिहार से हैं सुरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। कह रहे हैं ना, हमारे कमर, हमारे दो है, हमारी वाइफ और हमको, दोनों को कमर से और पैर में दर्द होता है। कमर में दोनों बहुत की जकड़न चलते उम्र कितनी है? हैं। हमारी हमारी उम्र है लगभग 65 वर्ष और पति की उम्र है 55 वर्ष। ठीक है। कितने कम कितने सालों से है दोनों को? से कम 5 साल 10 साल से है। अच्छा, देखिए, 5 साल 10 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, मैं जान सकता हूँ। और आप अपनी पत्नी के लिए और पत्नी आपके लिए कितना परेशान रहते होंगे, और बच्चे अलग। अच्छा, देखिए, 5 10 साल नहीं चाहिए मुझे, आपने सारे इलाज कर लिए, मुझे 2 3 महीने चाहिए आपसे सिर्फ।
और उसके लिए आपको करना क्या है कि 2-3 महीने तक मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, पोंछा नहीं लगाएं, आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए हिदायत है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट लगवा लें, नहीं है तो लगवा लें, ये हिदायतें हैं। अपनी ज़रूरत कुर्सी वाले बाथरूम में पूरी किया करें दोनों लोग, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बार बार ठीक होंगे, बार बार यही सब हो जाएगा। और एक आता है गौन स्याह, स्याह यानी काला, इसे गौन स्याह भी कहते हैं और काला गौन भी कहते हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि दुकानदार बहुत बेईमान हो गए, जिन दुकानों से हम ये चीज़ें लेते थे वो सब नकली रखने लगे, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। दुकानदार से हम जाके मांगते हैं गौन स्याह, तो वो एक गौन दे देता है काला सा, उसको एलवा कहते हैं। ये एलवा नहीं है ना ढाक का गौंद है, ये गौंद स्याह है जो चमकता नहीं है। और दुकानदार जो हमें गौंद देता है वो चमकता है शीशे की तरह, तो चमकने वाला नहीं लेना। और 100-100 ग्राम आप दोनों ले लीजिए अपने रोग के लिए, और 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बस, आपने लाखों रुपए की दवाइयाँ खा ली होंगी। 1 ग्राम रोज़ाना खाइए, 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, 1 ग्राम रात को खाने के बाद, ये आपको खाना है पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप 5-7 दिन बस सब्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इंतज़ार करें। 1 महीने में इतना फ़ायदा होना चाहिए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और 3-4 महीने में इतना फ़ायदा कि हम दोनों को इत्मीनान आ जाए। लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे सेवन करें, दोनों पति पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से हैं जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए शायद सर आपका कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, आप फिर से कॉल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर कार्यक्रम में कॉल आपका नहीं लग पाता है तो आपको पता ही है क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर पे आपको संपर्क साधना है। दर्शकों देखिए, अगर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर जुड़िए, देखिए वहाँ पर भी आपको बेहतरीन कीमती नुस्खे बताए जाते हैं, जो पहले हकीम साहब से डिस्कस किए जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, फिर आप तक पहुँचाए जाते हैं। कोई इंतज़ार आपको नहीं करना है कि पहले हमारी कॉल लगेगी, पहले हम हकीम साहब से बात करेंगे, फिर हम नुस्खे जानेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हेल्पलाइन नंबर पर नुस्खे जानिए और कॉल ट्राई करते रहिए, और जब आपकी कॉल लग जाए उसके बाद आप हमें बताइए कि आप कौन सा नुस्खा सेवन कर रहे थे, कितना आपको लाभ मिला है। सारी बातें आप लोग फिर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं हकीम साहब से। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी। आदाब राहुल भाई। जी हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने गोन मोरिंगा और ये जैतून का सिरका मंगाया हुआ था, किंतु वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना वो जब मैं जैतून का सिरका ले रहा हूँ तो मेरी आंखों में ब्लीडिंग हो रही है। तो एक्चुअली मेरी समस्या आंखों की थी, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे रिप्लाई की, मैंने आपके ये सजेस्ट किया हुआ था, किंतु अभी मेरी दूसरी समस्या हो गई है, मेरी जो है ना किडनी में है ना जो क्रिएटिनिन लेवल में रखा हुआ है, तो उसके लिए है ना मैंने आपका जो नुस्खा था जो सौंफ धनिया और ये मेथी दाना और आंवला पाउडर, तो ये मैंने 2 मरतबा लिया है। तो मतलब तो वो लेने के बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल है 3.22 हुआ है, और मेरा जो यूरिया है ब्लड यूरिया वो 28.2 हुआ है। तो अभी और वही किडनी की वो जो फंक्शन की गोली मैंने चालू की हुई है, लेकिन अभी है ना मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरी दृष्टि है ना उससे इफेक्ट हुई है, और मेरी दृष्टि और काफी धुंध हो रही है, तो मुझे कृपया समस्या का समाधान बताइए। अच्छा, क्रिएटिनिन आपका बड़ा है या कम हुआ है? ये बड़ा है मेरा, 3.22 हुआ है। वो तो पहले कितना था? नॉर्मल से पहले कुछ 2.10 वगैरह था। अच्छा, ब्लीडिंग कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से ब्लीडिंग होती है? आँखों से? हाँ, आँखों में, तो जो पिछला पर्दा मेरा समस्या यही थी ना कि मेरी आँखों की समस्या थी, तो उसमें ना ब्लीडिंग होती रहती थी आँखों में। हाँ। तो मेरी आँखों के 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, उसमें मतलब ये लेजर द्वारा ऑपरेट किया हुआ है आँखों को, और उसके बाद फिर मेरा पर्दे का भी ऑपरेशन हो चुका है,
तो पर्दे का जिस आंख का मेरा पर्दे का ऑपरेशन हुआ है बाई आंख का, तो उसमें दृष्टि काफी कम है, और मेरी अभी एक आंख जो सीधी आंख है उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसमें अभी उसका पर्दा हटा हुआ है। तो अभी पर्दे का जो सर्जिकल प्रॉब्लम है मोतियाबिंद अभी दूसरी आंख में मेरे है और पर्दा हटा हुआ है, वो तो प्रॉब्लम एक्चुअली उसी प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया था। लेकिन अभी क्रिटिकल लेवल जो मेरा बड़ा हुआ है तो उससे ना आंखों पर भी इफेक्ट होता है ऐसा मैंने सुना है। तो देखिए आंखों का तो आप जो ट्रीटमेंट लें अपने डॉक्टर से ही लें, और देखिए एक इलाज आप कर लें और जो चीज़ आपको नुकसान देती है वो ना लिया करें, कोई भी चीज़ हो चाहे। एक अच्छा इलाज है धनिया का पाउडर बना लें, 200-300 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले खाएं, और उसमें इसमें कलौंजी का नमक लेना है एक चुटकी, जितना चुटकी में आता है एक चम्मच धनिया मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले लिया करें और रात को लिया करें, इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन आँखों का इलाज आप अपने डॉक्टर का ही करें, वो बहुत क्रिटिकल केस है, उसमें हमारी कोई दवा न लें। जी यमुनानगर से है राजेश, स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार आदाब। मैडम जी मैं आप नुस्खा यूज कर रहा था जी पत्थर चट और वो पथरी के लिए जी, मेरे को पथरी है बहुत बड़ी 30 mm और 12 mm की, 20 दिन हो गए मैं यूज किया पत्थर चट कलमी शोरा और खसखस भी। अब 3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब बिल्कुल बंद हो रहा है जी, उसमें दिक्कत आ रही, पस भी आ गई पेशाब में और RCB भी बड़े हो, मेरे को पेशाब में बड़ी प्रॉब्लम हो रही। अभी कल बात की थी आपके यहाँ भी, उन्होंने के केयर किट भेजी है, वो कह रहे ये भेजेंगे आपके 4-5 दिन में, वो कैसे लेनी और इसके पेशाब का कोई तरीका बताएगी। ठीक है, देखिए शायद पथरी आपकी टूटने लगी है और उसके लिए तो आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी शायद, अगर ये जानना है कि पथरी टूट गई या नहीं। और ये जो आप नुस्खा ले रहे हैं इसमें पानी बहुत पीना है, पानी पिएंगे तो फोर्स से पेशाब आएगा, यानी जब भी ये लें, ये तो आपका घरेलू नुस्खा है, और जब भी ये आप पिएं तो पानी खूब ज़्यादा पिएं, 3 गिलास पानी पिएं। और ये जो आप लेते हैं पत्थर चट्टा और खसखस, इसमें नींबू ज़रूर मिला लिया करें 1-2 तब पिया करें, और जब भी ये गिलास पानी पिया करें आप 2 गिलास आधे घंटे के अंदर और पानी पिएं, बहुत जल्दी फोर्स से पेशाब आएगा और ये पेशाब की जो रुकावट है ये जो अवरुद्ध हो रहा है ये ठीक होना मुमकिन है। बहुत बड़ी पथरी है, धीरे धीरे पाउडर बन के निकलेगी, और कभी भी कोई ज़रूरत हो तकलीफ हो तो दर्द की दवा डॉक्टर की दवा आप फौरी तौर पर ले सकते हैं, इसमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है।